एपिसोड की स्टार्टिंग में जय सहगल कहते हैं कि सात की फिटनेस वाले बो से 1000 तीर चलानी है। इसके बाद माही कहती है कि तुम अपनी शूटिंग पूरी करके यहाँ से जा सकती हो और तुम लोगों ने अगर थोड़ा सा भी रेस्ट करने की कोशिश की तो फिर देखना मैं तुम लोगों को कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर जय सहगल कहते हैं कि हे भगवान माही, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्योंकि मेरी फिटनेस अभी 7 तक पहुंची है और हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इसके बाद वीर कहते हैं कि तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? हम बस यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है उसे थोड़ी पता चलेगा कि हमने कितने तीर मारे हैं। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि भाई तू तो बहुत ज्यादा बोला है, वो हम पर नजर रखने के लिए कुछ बंदों को भेजेगी और हम इस लाइन को भी क्रॉस नहीं कर सकते और कोई भी तीर अगर हमारा टारगेट पे नहीं लगा तो वो गिना नहीं जाएगा। इसके बाद वीर कहते हैं चलो फिर प्रैक्टिस जल्दी से शुरू करते हैं, हमारे पास टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वीर कहते हैं कि याद रखना जिसके पास हाई स्टेमिना होता है ना वो बंदा अच्छा ही होता है। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि मेरी फिटनेस है वो 9.1 है और साथ की बो के साथ प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अवनी सहगल मुझ पे बिलीव ही नहीं करती। इसके बाद वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं जो जय सहगल और वीर को कहते हैं कि लगे रहो जल्दी से अपने तीरों की प्रैक्टिस करते रहो, कल हम एक सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने जाएंगे वो भी ग्रुप में और तुम लोग हमारे साथ जाने के लिए अभी तैयार नहीं हो। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि क्या सीक्रेट ब्लड रैंक का एलियन, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला? तो उस पे वो बंदा कहता है कि ग्रैंड मास्टर और कुछ और बंदों ने इसे ढूंढा है, देवाश्रम में जितने भी ग्रुप हैं उन सभी को मदद के लिए बुलाया है। इसके बाद वीर मन में सोचते हैं कि क्या ग्रैंड मास्टर इस मामले में अवनी सहगल स्टार यूनिवर्स ऑर्गेनाइज से मिल सकती है। इसके बाद वो बंदे कहते हैं कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और इंजॉय करो, और इस बंदे का नाम लीन हॉग होता है। इसके बाद जय सहगल लीन हॉग से कहते हैं कि क्या तुम कल माही से रिक्वेस्ट करके मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? और वो ये कहते कहते उसको कुछ पैसे भी दे रहा था, तो लीन हॉग कहते हैं कि इस तरह के काम करना बंद करो और तुम गॉड शूटिंग ग्रुप को किस पोजीशन पे मानते हो, और वो उसके पैसे फेंक देता है। इसके बाद लीन हॉग वीर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुमको अवनी सहगल ने स्पेशली इस ग्रुप में ऐड किया था, तुम किसी भी चीज से पीछे हट सकते हो? गॉड शूटिंग ग्रुप में हम किसी भी कचरे को नहीं पालते, इसकी माँ की आंख साला ये बोल किसे रहा है कचरा भाई। इसके बाद लीन हॉग कहते हैं कि माही ने तुमको 1000 तीर मारने के लिए कहा है तो तुम 1000 तीर मारो और तुम सीधा उसको हिट पे ही मारना वरना वो तीर अकाउंट नहीं होगा, इससे पहले तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते। इसके बाद वीर कहते हैं कि हम कमजोर नहीं पड़ सकते, गॉड शूटिंग ग्रुप बहुत ज्यादा सख्त है। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि लीन हॉग मुझसे पैसे इकट्ठा ही करता रहता है, लेकिन मुझे आज पता चल गया वो मुझे लाइक करने का बस एक एक्ट करता है। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि भाई मुझे लगता है ना कि लीन हॉग को तुमसे कोई प्रॉब्लम है, तो वीर कहते हैं कि यार मुझसे प्रॉब्लम क्यों है? इसके बाद जय सहगल धीरे से कहते हैं कि लीन हॉग माही से प्यार करता है और वो उसे इम्प्रेस करने की ट्राई करता रहता है और इसे पता है कि माही तुमसे नफरत करती है इसलिए जानबूझ के तुमसे पंगे लेता है। इसके बाद वीर कहते हैं कि क्या सिर्फ उस माही के कारण मेरे साथ ऐसा एक्ट किया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। इसके बाद वीर अपना बो उठाकर उसमें एक एरो रिलोड करता है। इसके बाद वो जय सहगल से कहते हैं कि तुम मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में पड़े हो तो तुम चिंता मत करो, हम कल सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जरूर जाएंगे। इसके बाद वीर उस एरो को शूट कर देता है और वो टारगेट के एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे लगता है। इसके बाद जय सहगल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या 150 मीटर दूर और इतना सही निशाना। इसके बाद वीर कहते हैं कि साथ के फिटनेस वाला वो एपोक्लिपस की डेविल सोल से बहुत ज्यादा हल्का है, और वीर मन में ये भी सोचता है कि लगातार एरो शूट करना कोई बड़ी बात नहीं है और अंडरस्टैंडिंग को समझना भी आसान है। इसके बाद वीर रेगुलर तीरों को मारता रहता है और वो सही टारगेट पे जाके लगते हैं। अब इसे देखकर जय सहगल बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या लगातार 40 शॉट मारे और वो भी एकदम परफेक्ट, तुम तो भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तो उसे देखकर वहाँ पे दो बंदे होते हैं और वो भी कहते हैं कि क्या इसने इतनी स्पीड में 40 एरो शूट किए, क्या ये हो ही नहीं सकता। दूसरा बंदा बोलता है कि क्या ये सच में वीर है या फिर मैंने गलत देखा, और वो कहते हैं कि उसने तीर को खींचने के लिए अपने राइट हैंड को यूज किया और उसने अपना हाथ भी नहीं बदला, ऐसा लगता है कि उसकी खींचने की शक्ति भी कमजोर नहीं है। इसके बाद वहाँ पे तीन बंदे और खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि इस बंदे ने अभी तक पसीने का एक बूंद भी नहीं बहाया, मुझे लगता है इसने कहीं ना कहीं छुप के ट्रेनिंग की होगी, मैं इस बंदे से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। इसके बाद
लीन हॉक कहते हैं कि इसमें क्या अमेजिंग है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। इसके बाद वीर जय सहगल से कहते हैं कि भाई तुम अभी कमजोर मत पड़ो, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी से प्रैक्टिस करो। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि भाई तुम अगर ये सच में कर सकते हो कि हम कल शिकार में साथ में जा सकते हैं तो क्या तुम मेरे आइडल बनोगे। तो वीर कहते हैं कि मुझ पे विश्वास रखो और हम इसी स्पीड के साथ में प्रैक्टिस करते रहे तो हम इसे आधी रात को फिनिश कर देंगे और मैं कल सीक्रेट प्लॉट के शिकार करने के लिए जरूर जाऊंगा, मैं इस मौके को गवाना नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब चीजें माही ऊपर खड़ी देख रही होती है और सोचने लगती है कि वीर लगता है तुम काफी ज्यादा सक्षम हो और लगता है अवनी सिरगिल ने सही बंदे को चुना है, लेकिन अब तुम गॉड शूटिंग ग्रुप में रहोगे या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप सूरवीर के सारे एपिसोड सुनना चाहते हैं एक से लेकर जितने भी आई अभी तक, तो भाई मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके दो एपिसोड और डालूंगा आज मैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। अगले एपिसोड में वीर एक और ग्रैंड मास्टर की डेविल सोल को चोरी कर लेगा, जो होंगे उड़ने वाले पंख। तो गाइस अगला एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है।